यही मेरी एक क्वालिटी है कि मैं क्वालिटी से समझौता नहीं करता हूँ। अच्छा जी, दैट्स ऑल। ये भाई आए हुए हम लोग आगरा, और आगरा का बनवा रहे हैं बहुत ही फेमस फालूदा, आप ये देख सकते हो। अंकल जी ये क्या है? ये फालूदा है ही। ये व्हाइट और ये येलो, ये मतलब होता है, ये पीला होता है, ये पका हुआ होता है, ये कच्चा होता है। अच्छा, ये फीका होता है, ये मीठा होता है, ऐसा भी रहता है ये? जी हाँ। तो आप कौन सा फालूदा बनाएंगे हमारे? मैं आप अगर आप जो भी खाना चाहेंगे, केसर पिस्ता का खाएंगे, टाइपूर खाएंगे, पान फालूदा खाएंगे, प्लेन कुल्फी फालूदा खाएंगे, आप कौन सा खिलाएंगे प्यार से वो बताइए। जो आप कहेंगे, जो आपको इच्छा होगा, मैं तो आपको चाहूंगा सिर्फ कुल्फी फालूदा ही खिलाऊं। तो आप खिला दीजिए एक कुल्फी फालूदा। मैं आ जाता हूं अंदर की तरफ। ये दोनों किसमें डालेंगे? ये दोनों ही चारों पाँचों फालूदों में डालते हैं। अच्छा ऐसा है? जी हाँ। तो चलिए मैं उस तरफ आ जाता हूँ। आप इस साइड आ जाइए, देखिए बनाइए। मैं आपके साथ एक बार बता दीजिए आगरा में किस नाम से, एक बार मैंने तो दिखा दिया लोगों को, पर आप बता देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये कुल्फी फालूदा होता है जी, मेरा किशन कुल्फी इसके नाम से है। मैं सदर बाजार चाट गली के अंदर रहता हूँ। अच्छा जी। और यही ये मेरा स्टॉल करीब 18 साल से लग रहा है। ओके ओके, बढ़िया। अलावा मैं बनाता हूँ एक मैंगो कुल्फी। अच्छा, ये होती है मेरी मैंगो कुल्फी। अरे क्या बात है अंकल, इसे बोलते हैं नेचुरल फ्रूट की कुल्फी है तो। हाँ, इसे बोलते हैं रियल मैंगो। अच्छा जी। जी हाँ, इसके अंदर गुठली गायब होती है और इसके अंदर रबड़ी भरी होती है। अरे बहुत बढ़िया। तो ये भी बना सकते हैं? इसमें कुछ मसाला वसाला डाल के बनाते हैं? कुछ भी नहीं, इसको सिर्फ छीलना और छील के काट के देना होता है। क्या बात है। तो ये भी बना दीजिए, हम इसको भी कवर कर लेते हैं। इसको बोलते हैं मैंगो कुल्फी। मैंगो कुल्फी, ये भी आप खुद ही बनाते होंगे? ये सारा प्रोजेक्ट है जो मैं अपने हाथ से बनाता। अच्छा, बहुत बढ़िया है। तो भाई यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है ना कि सब चीज़ें अंकल जी बनाते हैं, मतलब ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे होममेड हैं, तो वो बहुत बढ़िया बात है यहाँ पे। और मैंगो कुल्फी जो बनवा रहे हैं, साथ ही बनाता हूँ मैं ये पान कुल्फी। अच्छा, पान कुल्फी भी है? क्या बात है। ये मेरी पान कुल्फी है, इसका जो टेस्ट है ये फुल पान का है। अच्छा अच्छा। इसके अलावा फिर एक ये पान कुल्फी भी आप अपने से बना रहे हैं? ये सारी मैं 18 साल होगा बनाते हुए। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। इसके बाद में फिर आपको दो कुल्फी और दिखाऊंगा। जी जी बताइए। तो भाई वैरायटी देखें आप, केसर पिस्ता की, केसर पिस्ता, ये प्योर केसर और पिस्ते के साथ ये कुल्फी बनती है। अच्छा अच्छा। इसके अलावा एक कुल्फी और होगी? जी जी, क्योंकि ये है फुल ड्राई फ्रूट। और क्या बात है, इसके अंदर फुल ड्राई फ्रूट से भरी हुई कुल्फी। जी जी जी, पूरी ड्राई फ्रूट जी। और क्या प्राइस रहता है इन सबका? ओनली 50 रुपीज और 60 रुपीज। और वो जो मैंगो आपने बताई, मैंगो सिर्फ 100 रुपीज। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो अभी आप बना क्या रहे हैं हमारे लिए वो बता दें। यही मेरी एक क्वालिटी है कि मैं क्वालिटी से समझौता नहीं करता हूँ। अच्छा जी, दैट्स ऑल। तो हम बनवाए? बिल्कुल। तो भाई आपने देखा कितने बढ़िया और कितनी बढ़िया बातें करते हैं, और हम लोग बनवा रहे हैं यहाँ का कुल्फी फालूदा, और देखते हैं कैसा बनता है। इंदौर में तो हमने बहुत खाया, बट यहाँ पे हमको ये ना ये सब चीज़ें देख के कुछ यूनिक लग रहा था, तो हम रुक गए और बनवा रहे हैं। और अंकल जी भी काफ़ी बढ़िया हैं, तो चलिए ये बनवाते हैं। स्टार्ट जी अंकल जी। यस। तो पहले इसमें डालेंगे वाइट वाला। ये वाइट वाला मैं बोलूँ? हाँ आप बोल दीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। ये मैं डाल रहा हूँ वाइट फालूदा, उसके बाद डाल रहा हूँ ये पीला वाला फालूदा। ये हमारा कच्चा होता है, ये पका होता है, ये फीका होता है, ये मीठा होता है। इसके बाद डालूंगा मैं इस पर कुल्फी। इस पर ये कुल्फी निकालना है, वही इस पर ये रबड़ी कुल्फी डल रही है। अच्छा, बहुत बढ़िया। इसके बाद ये कुल्फी डालने के बाद इसके बाद डालूंगा मैं इसके ऊपर आइसक्रीम। जी, कौन सी आइसक्रीम डाल रहे हैं? ये मैं खुद अपनी रबड़ी की आइसक्रीम बनाता हूँ। अच्छा जी, जो कि बाजार में कहीं भी नहीं मिलती है। ये आपकी खुद की होममेड आइसक्रीम है? जी जी। ये देखिए, ये मैं इसके ऊपर डाल रहा हूँ आइसक्रीम, और इसके बाद जी मैं इसके ऊपर डाल रहा हूँ रबड़ी। ये है मेरी रबड़ी जी, ये रबड़ी डाली है, और इसके बाद डाल रहा हूँ मैं ये रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा? जी हाँ जी। ये इसके ऊपर मैंने रूह अफ़ज़ा डाला है, ये कंप्लीट हो चुका है। अच्छा जी। और इसके बाद लगा रहा हूँ मैं ये स्पून। कितने का है जी अंकल जी? ये ओनली 70 रुपीज का है। अच्छा जी, और ये रेट मेरे 3 साल से है। अच्छा अच्छा। इतनी महंगाई होने के बाद भी मैंने 1 रुपया नहीं बढ़ाया, और ये ही क्वालिटी है मेरी। अच्छा जी, अच्छा, बढ़िया। तो हम ये टेस्ट करेंगे, और ये फालूदा ही है ये भाई। ये आ गया आगरा का सबसे फेमस फालूदा। अंकल जी ने इतने बढ़िया, इतनी मोहब्बत से बताया, और क्या बातें करते हैं, बढ़िया अच्छी अच्छी बातें करते हैं। और उन्होंने इंसिस्ट किया कि पहले आप मैं ये टेस्ट करूं, फिर और दूसरे प्रोडक्ट्स मेरे को टेस्ट कराएंगे। तो पहले हम ये फालूदा टेस्ट कर रहे हैं, जो कि है कुल्फी फालूदा, और देख के तो काफ़ी अमेजिंग लगा है। इंदौर में मैंने बहुत सारे फालूदा देखे हैं, बढ़िया इस तरीके वाला फालूदा तो भाई यही मिलेगा आपको। इंदौर में अलग अलग टाइप के फालूदा मिलते हैं, आपने देखा ही होगा। लेकिन ये जो ये बनाना शेप वाला दिया है ना अंकल ने, ये
और रेड येलो जो कुल्फी सॉरी रेड येलो जो फालूदा दिए अंकल ने दो, वो सिर्फ यहीं पे मिलेंगे, वो कहीं और नहीं मिलेंगे। तो हम ये पहला बाइट लेने जा रहे हैं, काफ़ी बड़ा बाइट है भाई, आप चेक करिएगा एक बार। आपने मेरे को देखा होगा कि मैं मीठी चीज़ बहुत कम खाता हूँ, बहुत कम मीठा पसंद करता हूँ, मुझे इतना पसंद नहीं है। बट यार ये ऐसी चीज़ है ना कि अभी एक बाइट लिया है मैंने, मेरा मन नहीं भरा है मीठी चीज़ के साथ, बहुत कम बार मेरे साथ ऐसा होता है। और ये दूसरी बाइट लेने जा रहा हूँ और आप देखें हाउ थिक रबड़ी इज यार ब्रो, दिस इज सो अमेजिंग। ओ भाई बहुत मज़ेदार, बस सिर्फ 70 रुपये में यार, कहाँ मिल रहा है 70 में फालूदा आजकल, कहीं नहीं मिल रहा और इतना टेस्ट भी नहीं मिल रहा। जरूर बोलूँ मैं, मैंने खाया इंदौर में, इतना टेस्टी बना था, ये टेस्टी है। तो आप आए आगरा ये टेस्ट करें भाई, सदर बाजार की स्टार्टिंग की पहली शॉप ये टेस्ट करें। और इसके बाद अभी हम दूसरी चीज़ें टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अंकल ने मैंगो नेचुरल फ्रूट की मैंगो कुल्फी बताई है, वो मैं टेस्ट करने आ रहा हूँ, वो बताता हूँ। और ये पूरा मैं पार्ट मिलकर फिनिश करेंगे, पार्ट के चांस कम है मुझे ज़्यादा अच्छा।